नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी। इतनी चमक पैदा हो जाएगी, जिसका मन अंधकार में है वो हस्त मैथुन कर रहे, और भारत में 95% युवा डिप्रेशन में कर रहे हैं। 500 दंड बैठक मारो, 50 सूर्य नमस्कार, लड़की लड़की शादी करने दो, लड़का गधे गधी शादी करने दो। जिसका मन अंधकार में है वो पोर्न देख रहे, जिसका मन अंधकार में है वो हस्त मैथुन कर रहे। और चूंकि पश्चिम के मानवतावाद कहता है कि जो मानव को खुशी दे उसे करना चाहिए, पश्चिम आज मानवतावाद पे जी रहा है, ह्यूमनिज्म पर। लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, करने दो, खुशी मिल रही, हाँ करने दो। लड़की लड़की शादी करने दो, लड़का गधे गधी शादी करने दो, लड़की चिंपैंजी करने दो, मानवतावाद। आज उसी सिद्धांत को भारत में आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वहां की डेमोग्राफी अलग है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की अर्थव्यवस्था अलग है। वीर बीज, अब गाय का गोबर है वो तो फेंक दोगे, गाय का मूत्र है वो तो फेंक दोगे, पसीना फेंक दोगे, मल मूत्र पसीना फेंक दोगे, क्योंकि ये तो वेस्ट है, बीज कौन फेंकता है। और भारत में 95% युवा डिप्रेशन में कर रहे हैं। मानवतावाद के लिए, पश्चिम के लिए ठीक है, ये पश्चिम के लिए बहुत अच्छा है। मन और सेंस, मन और इंद्रियां, ये अंधी है, कभी भरती ही नहीं। एक बड़ा फेमस खलीफा हुआ इब्राहिम, बहुत फेमस इब्राहिम। उसके समय में एक बहुत फेमस सूफी संत थे जुनैद। तो इब्राहिम जुनैद के पास गया, कहा गुरुजी आप झोपड़ी में रहते हो, मस्त रहते हो, और मैं महल में रहता हूं और दुखी रहता हूं, कैसे? बोले यार जवाब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन शर्त है, पुरोहित यजमान से कभी शर्त नहीं रखता, क्योंकि माया लेता है ना, लेकिन संत यजमान के सामने शर्त रखते हैं, शर्त है। इब्राहिम ने कहा मान ली शर्त, बताओ क्या शर्त है। बोले कल सुबह आ जाना, एक जगह चलेंगे, लेकिन जो भी मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा करते रहना, क्रॉस क्वेश्चन मत कर। इब्राहिम ने कहा जी नहीं करूं। दूसरे दिन इब्राहिम पहुंचा, जुनैद लेकर उसको एक कुएं पे गए, कुएं में के पास एक बाल्टी रखी थी, उस बाल्टी में बेस नहीं था, पेंदा नहीं था, नीचे से खाली थी, और एक बाल्टी कुएं पे लटकी हुई थी रस्सी के साथ। तो जुनैद ने कहा ये दूसरी वाली बाल्टी भरो। अब इब्राहिम चूंकि वादा कर चुका था क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, ने कहा अच्छा। तो उसने उठा उठा के बाल्टी भर के उस बिना पेंदे की बाल्टी में डालना शुरू किया, जैसे पानी डाले सब बह जाए, जैसे पानी डाले सब बह जाए, ऐसे करीब आधा घंटा चला। तब इब्राहिम ने कहा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी आपकी कहानी है। आधे घंटे बाद इब्राहिम ने कहा कि सरकार ये बाल्टी तो कभी भरेगी ही नहीं। अरे बोले जाहिल, यही बात तो मैं सिखाना चाहता हूं कि ये जो मन और इंद्रियों रूपी बाल्टी भरना चाहते हो ये कभी नहीं भरेगी। 500 दंड बैठक मारो, 50 सूर्य नमस्कार करो, और फिर कमाल देखो 6 महीने बाद। 50 सूर्य नमस्कार शुरुआत 6 से करना, 50 सूर्य नमस्कार 3 महीने में करना चाहिए, कि नहीं पहले दिन से 50 ये सब मसल उसल निकल के बाहर चली जाएगी, फिर कभी नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को धीरे धीरे करो, सूर्य नमस्कार 6 से शुरू करो, 6, एक महीना 6 करो, दूसरे महीने 12 करो, तीसरे महीने 24 करो, ऐसे नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी। इतनी चमक पैदा हो जाएगी, इतनी चमक, जिसकी रोशनी जला रहा वो विद्या अर्जित कर रहा, शिक्षा अर्जित कर रहा, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उपलब्धि ले रहा है जीवन। ये गुटखा खाने से कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कूड़ेदान बन जाएगा, कूड़ेदान बनाया तो मंदिरों पे भी, खजुराहो के मंदिर जाओ, कंडरिया महादेव बाहर चित्र बने हुए काम के, अरे दुखी मन, उदास मन, परेशान मन, वो पोर्न देखेगा, कुछ इतना एडिक्ट हो जाएगा उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। 10 घंटा 15 घंटा बीत, उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे मिलेगी इस अंधकार वाले मन को उपलब्धि। इसको कोई उपलब्धि मिल सकती है? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मन उसका अंधकार में है, वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसके पास। मुसलमानों को अपने सूफियों के इतिहास पर एक बार जाना चाहिए। इस्लाम जो भी फैला वो सूफियों की वजह से फैला। जो सूफियों का इस्लाम है वो यही परिवर्तन वाला इस्लाम है, काफिर से मुसलमान, साधना का इस्लाम है, तपस्या का इस्लाम है, क्योंकि बिना तपस्या के, बिना तापमान के कुछ भी बदलेगा ही नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, खुश हैं वो कि जन्नत जा रहे हैं, मैं भी खुश हूं कि अच्छी बात है यार, जा रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, तो जल्दी चले आओ, जब जन्नत में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो यहां क्या कर रहे हो।
तो ये आपको पता है कि आपका फाइनल घर फला जगह है, वहां सारी सुविधाएं, जाओ। ऐसे कोई नहीं पहुंचता जन्नत, बहुत तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती है। इसीलिए जो भी आदमी इंद्रियों पे जी रहा है, धन चाहे जितना रखे हो, तो यहां आप कबीर को देखोगे मस्त, राकेश झुंझुनवाला जी को देखोगे परेशान, बीमार तो बेचारे रहे नहीं, कई सारी बीमारियों से ग्रसित, 40,000 करोड़ के मालिक, आकाशा एयरलाइंस चलाया मरने से पहले। इस परिवर्तन, इस यात्रा का सूत्र सारे धर्मों ने दिया है, बाइबल ने दिया, कुरान ने दिया, वेद ने दिया, गीता ने दिया, आदि ग्रंथ ने दिया, जागृत पुरुषों द्वारा ये कहे गए, इसलिए इनको वेद कहा, कि चैतन्य ने कहा इसे। हमारे दोस्त है, अब हमको बुलाते हैं पार्टी, हम कहते जाने दो यार। अरे कहते तुम जीवन ही नहीं जी रहे हो। हमने कहा तुम जी रहे हो, तुम तो जी रहे हो ना, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो, नाच रहे हो, तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि अब ओझा नहीं जी रहा है। क्यों इतनी जबरदस्ती है मुझे अपनी तरफ बुलाने की? मैं भी तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूं, आओ आओ, ध्यान करो 3 घंटा बैठ के, शरीर हिलने नहीं चाहिए। तुम देखो जो लोग दारू पीते हैं वो बिना संगत दारू नहीं पी सकते, गिल्ट होता है ना अंदर, इस किसी काम को ये कुसंग है क्या? एक अकेला आदमी किसी को मारने जाएगा उसको दुविधा हो जाएगी, लेकिन 2 मारने गए तो सुविधा है। हर गलत काम अगर समूह में किया जा रहा है तो गिल्ट दूर होता है। इसलिए ध्यान करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई गिल्ट ही नहीं है। योग करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हर वो काम जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसमें समूह की जरूरत है। इससे गिल्ट नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। मन की जो रोशनी है उसको जलाना, क्या नाम है उस रोशनी का? मन की उस रोशनी का क्या नाम है? उसका नाम है विवेक। जो रोशनी है उसका नाम है विवेक। अब जितने लोग इस रोशनी से विहीन है, अब एक मन जो ध्यान नहीं करता और अंधकार में है, और एक मन जो ध्यान करता है और उसका विवेक जागृत हो चुका है, उसकी रोशनी जल चुकी है, कभी कभी ईश्वरीय कृपा से जल रही होती है। बीरबल, जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। आओ, कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं, आओ। मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा, एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। आज आप हमें सुन रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग कल बदल जाएंगे, और कल इस देश को इस कार्यक्रम की वजह से 1,00,000 अवध ओझा मिल जाएगा, और ये 1,00,000 अवध ओझा इस भारत भूमि की नहीं, इस पूरे दुनिया का रेखाचित्र बदल दो। कोई आईएएस के रूप में, कोई पीसीएस के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई नेता के रूप में, किसी भी रूप में आप कल आईएएस बन जाएं, फिर भी आप इसे जारी रखें, आप कल नेता बन जाएं, फिर भी आप इसे जारी रखें। जो आप बदले हैं, जब आपके अंदर बदलाव शुरू हो, तो जब आप बदले तो इस बदलाव की धारा को आगे बढ़ाओ।